students, today I will start exercise 3.2 with question number 1. 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. 10th class के 10 बच्चों ने mathematics quiz में participate किया है. If the number of girls is 4 more than number of boys, अगर number of girls ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, boys से 4 ज्यादा है. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. आपको निकालना है कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है. तो देखो, फर्स्ट हमको नंबर लेट कीजिए, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू वाई. देखो, दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, कितने दोनों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बॉयज और गर्ल्स दोनों ने मिला के पार्टिसिपेट किया. तो बॉयज कितने हैं एक्स और गर्ल्स कितने हैं वाई, दोनों ने मिला के पार्टिसिपेट किया, मींस प्लस कितने होने चाहिए, 10. तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10. नेक्स्ट पढ़िए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स मीन गर्ल्स कितनी है, वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, is 4 more than number of boys, 4 more than number of boys, 4 more than means plus number of boys. Suppose agar boys 4 hain to girls kitni hai aapki 4 se zyada, theek hai. ye aapki do equation hai, first equation aur second equation, isme aapko graphical batana hai, graphical representation kijiye. is equation ko aap aise likh sakte ho, y minus x equals to 4. aap x ko is taraf le aaiye. ये आपकी इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10. आप इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, पहले एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई. आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपको वाई का आंसर मिलेगा, वाई की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको एक्स का आंसर मिलेगा. सपोज मैं वाई को 0 पुट कर लेती हूं, वाई को 0 पुट किया, x plus 0 equals to 10 means x equals to कितना है आपका, 10. सपोज यहाँ पे मैं x को 0 पुट कर देती हूँ, फर्स्ट में मैंने y को 0 पुट किया, सेकंड में मैंने x को 0 पुट किया, 0 plus y equals to 10, y equals to 10. ये आपके सॉल्यूशंस मिल गए, कौन सी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10. ये जो आप सॉल्व करते हो ये आप रफ में भी कर सकते हो, आपको मेन टेबल बनाना जरूरी है. ये सॉल्यूशन अगर आप नहीं दिखाओगे फिर भी चलेगा. फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इज वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई. वाई को 0 लिया, वाई को 0 लिया, अगर मैं 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, देन माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, देन एक्स इक्वल्स टू माइनस 4. एक्स कितना मिला आपको, माइनस 4. देन मैं एक्स को 0 रख देती हूँ, सेकेंड में एक्स को 0 रखा, मीन्स वाई माइनस 0 इक्वल्स टू 4, देन वाई इक्वल्स टू 4. अब आपको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. नाउ ड्रॉ द ग्राफ. आपको ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करना है. प्रॉपर डिस्टेंस के साथ ड्रॉ कीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट इज 10 0,
टेन जीरो, आप कैसे लिखोगे? टेन जीरो, टेन है एक्स एक्सिस पे है, वाई क्या है? वाई एक्सिस पे क्या है? जीरो. यहाँ पे क्या आएगा आपका? पॉइंट आपका क्या है? टेन जीरो. नेक्स्ट इज जीरो टेन. जीरो टेन इट मीन्स आपका, पहले तो ये देखिए, आप यहाँ पे एक्स एक्सिस था और यहाँ पे क्या था आपका? वाई एक्सिस. नेक्स्ट पॉइंट इज जीरो टेन. एक्स एक्सिस पे जीरो, वाई एक्सिस पे टेन. तो यहाँ पे एक्स एक्स जीरो और यहाँ पे क्या है? टेन. तो दिस पॉइंट इज जीरो टेन. आप स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए. इक्वेशन लिखिए इसके ऊपर, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन. सेकेंड, माइनस फोर जीरो. माइनस फोर एक्स एक्सिस पे, जीरो वाई एक्सिस पे. माइनस फोर जीरो, ये पॉइंट है आपका माइनस फोर जीरो. नेक्स्ट इज जीरो फोर. जीरो फोर, जीरो और ये पॉइंट है आपका. ये इक्वेशन है आपकी y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्यों? यहाँ जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है आपके? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. देखो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है आपके? सॉल्यूशन है. थ्री और सेवन, थ्री और सेवन. इट मीन x कितना है? थ्री और y कितना है? सेवन. तो इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है आपकी? थ्री और सेवन. इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले एक्स और वाई. हमने बॉयज किसको कंसिडर किया था और गर्ल्स को किसको कंसिडर किया था? देखिए एक्स क्या है हमारे? बॉयज. वाई क्या है हमारी? गर्ल्स. तो क्या लिखोगे? सो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू थ्री. नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि हमने x को बॉयज कंसीडर किया था और y गर्ल्स को. नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू थ्री एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू सेवन. देखो दोनों का टोटल, क्लास में कितने बच्चे लेने थे हमको? मैथ्स क्विज में कितने बच्चे लेने थे? टोटल हमें 10 ही बच्चे लेने थे. तो थ्री और सेवन को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10. और आपको वेरीफाई चेक करना है अगर आपने आंसर करेक्ट निकाला है. अगर आपको चेक करके देखना है तो चेक करने के लिए आप इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है, उन्हें पुट करके देखिए. देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू टेन है फर्स्ट इक्वेशन. x प्लस वाई इक्वल्स टू टेन, x प्लस वाई इक्वल्स टू टेन चेक करोगे आप कि आपका आंसर राइट है. इट मीन्स x को पुट कीजिए, थ्री प्लस सेवन इक्वल्स टू टेन, आपका आंसर आया टेन. इट मीन्स करेक्ट किया आपने. सेकेंड इक्वेशन, y माइनस एक्स इक्वल्स टू फोर मिलना चाहिए आपको. तो y क्या है? सेवन. सेवन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू फोर. आर आपके इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है. इट मीन्स आपका आंसर क्या है? करेक्ट है. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर वन पार्ट टू. फाइव पेंसिल्स एंड सेवन पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज फिफ्टी. पांच पेंसिल और सेवन पेन की कॉस्ट कितनी है? उसने क्या खरीदा है? पांच पेंसिल और सेवन पेन्स और फिफ्टी रुपीज दिए. वेयर इज सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46. सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेन्स टूगेदर कॉस्ट रुपीज 46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन. आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है. तो क्या लिखोगे? लेट लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू रुपीज वन. फर्स्ट पढ़िए, सेवन पेन्स एंड फाइव पेंसिल्स एंड सेवन पेन. सॉरी, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल. पेंसिल आप उसको भी एक्स कंसिडर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. रुपीज एक्स एंड पेन इक्वल्स टू रुपीज वन. जिसको फर्स्ट लिखा होता है उसको एक्स कंसिडर करते हैं, जिसका सेकेंड लिखा होता है उसको वाई कंसिडर करते. तो फाइव एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल्स टू फिफ्टी. नेक्स्ट में आपके पास सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेन. सेवन पेंसिल्स मीन सेवन एक्स और फाइव पेंसिल फाइव वाई इक्वल्स टू 46. आपको इसके लिए सॉल्यूशंस निकालने. फर्स्ट
5x plus 7y equals to 50 के लिए सॉल्यूशन निकाल लिया। मैं x को क्या, आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। आप x को जैसे मैंने 10 कंसिडर किया है, तो आप सॉल्व कीजिए 5x plus 7y equals to 50, 5 x को 10 plus 7y equals to 50, 50 plus 7y equals to 50, then 7y equals to 50 minus 50, 7y equals to 0, then y equals to 0 by 7, that is 0। आप इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हो और यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट में मैं अगर y को 5 कंसीडर कर लूं, y को 5 कंसीडर किया, then 5x plus 7, फर्स्ट सॉल्यूशन ये सेकंड सॉल्यूशन 5x, y को मैंने क्या कंसीडर किया है 5 इक्वल्स टू 50, then 5x plus 7 5s are 35, 50, 5x equals to 50 minus 35, then 5x equals to 50 minus 35 means 15, then x equals to 15 upon 5, that is 3। ये फर्स्ट इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन मिल गए। नाउ सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 7x plus 5y equals to 46। इसके सॉल्यूशंस आपको जरूरी नहीं है कि आपको दो ही सॉल्यूशंस निकालने, आप तीन सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू को मैं 8 कंसिडर कर लेती, 8 कंसिडर कर लूं तो 7, 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। आप यहाँ पर 10 भी कंसिडर कर सकते थे। आप अवॉइड कीजिए कि डेसिमल्स में ना आए, पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आ भी गया तो आप प्लॉट कीजिए 5y equals to 46 minus 56, 5y equals to minus 10, y equals to minus 10 upon 5, that is minus 2। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 46 minus 56 है, साइन बड़े नंबर का 56 के पास माइनस। सेकेंड, y को मैंने 5 कंसिडर कर लिया, 7x plus 5 equals to 46, 5 5s are 25 minus 46, then 7x equals to 46 minus 25, then 7x equals to 21, then x equals to 21 upon 7, 7 3s are 21। ये आपकी क्या है, सॉल्यूशंस है। आपको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। x axis and y axis, 10। अब आप फर्स्ट पॉइंट देखिए 10 0, फर्स्ट इज 10 0, तो आपको 10 0 को प्लॉट करना 10 एक्स एक्सिस पे और 0 वाई एक्सिस पे। 10 0 आपका पॉइंट क्या है, 10 0। नेक्स्ट 3 5 3 5, ये 3 और यहां पे क्या है, पॉइंट क्या होगा आपका 3 5। आप इसको ज्वाइन कीजिए,
यहाँ पे आप इक्वेशन लिखिए 5x प्लस 7y इक्वल्स टू। सेकेंड की आप ड्रॉ कीजिए, क्या है आपका 8 माइनस 2 एंड 3 5। 8 माइनस 2 8 x एक्सिस एंड माइनस 2 8 माइनस 2। नेक्स्ट इज 3 5 3 5 ये पॉइंट आपका 3 5 है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, इक्वेशन है आपकी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। आप देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 5 पॉइंट पे क्या हो रहा है इंटरसेक्ट, इट मींस आपका ये क्या है आंसर है 3 और 5 इज योर आंसर। आप कैसे लिखोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पॉइंट्स 3 5। इट मीन्स आपने जिसको x कंसिडर किया था वो क्या है 3 और जिसको y कंसिडर किया था वो क्या है 5। देखो नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ पेन्स इक्वल्स टू रुपीज 5, रुपीज 3 एंड रुपीज 5। फिर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। आपको मैंने बताया था कि आप इक्वेशन में पुट करके देखिए वैल्यूज को, तो आपके फर्स्ट इक्वेशन देखिए ये क्या है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। आप ये चेक कर रहे हो, x की वैल्यू को पुट कीजिए और y की वैल्यू को पुट कीजिए 5, x इज 3 प्लस 7 5 3 इज 15 प्लस 7 5 इज 35। तो आप देखोगे आंसर क्या मिला आपको 50। आपको इस इक्वेशन में पुट किया तो आपको आंसर कितना मिला 50। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखोगे 7 की जगह पे आपको 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 है। 7x x की जगह पे 3 पुट कीजिए प्लस 5 5, दोनों को प्लस करोगे तो देखना आपको मिलेगा आंसर 46। इट मीन्स आपने जो सॉल्यूशन निकाला वो क्या है आपका करेक्ट। थैंक यू।